अक्सर फ्रिज हमारा बहुत ज़्यादा गंदा हो जाता है क्योंकि हम उसमें अपना सामान स्टोर करके रखते हैं, और सामान को ज़्यादा दिन तक स्टोर करने के लिए फ्रिज हमारी काफ़ी ज़्यादा हेल्प भी करता है, और हमारा भी एक कर्तव्य बनता है कि हम फ्रिज की अच्छे से केयर करें, उसकी साफ़ सफाई हम टाइम से करते रहें। तो इसी के लिए मैं आज एक छोटा सा वीडियो लेके आई हूँ बहुत ही आसान ट्रिक के साथ। इससे आपके जो फ्रिज में गंदी बदबू होती है वो भी नहीं आएगी, और फ्रिज आपका अच्छे से साफ़ सुथरा भी लगेगा। और इसी के साथ मैं आपको बताऊंगी जो फ्रिज में एक जो गोल बटन होता है वो किस काम का होता है और इसको कितने दिन में आपको दबाना चाहिए। तो चलिए हम अपनी वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले हमारा जो काम है जो बहुत इम्पोर्टेंट है वो हमें फ्रिज को बंद करके उसका प्लग है वो निकाल के रख देना है। उसके बाद हम लेंगे गर्म पानी और उसके अंदर हम डाल देंगे डिशवॉश, जो भी आप यूज़ करते हैं किचन में वो आप इसमें डाल दीजिए। और फिर मैं डाल रही हूँ इसमें 2 से 3 चम्मच विनेगर, यानी कि जो सिरका होता है वो इसमें डाल देंगे। जो फ्रीज को साफ़ करने में और जो गंदी स्मेल होती है उसको भगाने में काफ़ी ज़्यादा हेल्प करता है। और इस तरीके का आप कोई भी स्पंज ले लीजिए और उससे फ्रिज के सभी पार्ट्स आप साफ़ कर लीजिए। अगर आपका फ्रिज बहुत ज़्यादा गंदा है तो आप इनको बाहर निकाल के और अच्छे से पानी से वॉश भी कर लीजिए। मेरा फ्रिज ज़्यादा गंदा नहीं था क्योंकि मैं 10 से 15 दिन में इसको एक बार साफ़ कर देती हूँ, तो अभी मेरे को साफ़ करना ही था तो सोचा मैं ये वीडियो बना ही लेती हूँ, आप लोगों को भी क्या पता थोड़ी हेल्प मिल जाए। आप चाहें तो फ्रिज के सभी पार्ट्स निकाल के और डिशवॉश से अच्छे से वॉश करके सुखा लीजिए और फिर आप इसमें सेट कर लीजिए। आपका मन करे वैसे कर लीजिए। अगर आपका फ्रिज ज़्यादा गंदा नहीं तो आप इस तरीके से भी आराम से कर सकते हैं। अगर आप अपना फ्रिज की सफाई इस तरीके से कर रहे हैं तो काफ़ी दिन तक चमकता भी रहेगा और जो गंदी स्मेल होती है फ्रिज में वो भी नहीं आएगी। और फिर हम एक गर्म पानी डाल लेंगे बैकेट में और इस तरह का हम कॉटन का कोई कपड़ा लेंगे और फ्रिज को अच्छे से साफ़ कर लेंगे। 2 से 3 बार हम गीले कपड़े से इसको साफ़ कर लेंगे। वैसे तो हर लेडीज़ को पता ही होता है कि घर की साफ़ सफाई और जो फ्रिज है उनकी साफ़ सफाई हम कैसे करें, तो ज़्यादा बताने की ज़रूरत नहीं है, आप कर सकते हैं इसको आराम से। बच्चों एक ट्रिक था ये मैंने आप लोगों को बताया है, आप इसको एक बार ट्राई करके ज़रूर देखना। फ्रिज को गीले कपड़े से साफ़ करने के बाद आप कॉटन का कोई भी सूती कपड़ा या सूखा कपड़ा वो ले लीजिए, उससे एक बार फ्रिज को पोंछ लीजिए। और ये देखिए मैंने जो साइड में है उसको भी मैंने इसी तरीके से सभी को साफ़ कर लिए हैं। देखिए कितना हमारा फ्रिज है वो चमक रहा है। आप जो ये ट्रिक है एक बार ट्राई करके ज़रूर देखना, बहुत अच्छा लगेगा। कोई चीज़ घर में साफ़ सुथरी दिखती है तो देख के ही हमारा मन बहुत खुश हो जाता है और घर भी हमारा अच्छा लगता है। देखिए फ्रिज कितना एकदम से क्लीन हो गया। तो चलिए अभी मैं बताती हूँ आपको, अगर आपके जो फ्रीजर है उसमें बर्फ़ बहुत ज़्यादा जम जाती है तो हमें पता नहीं होता तो क्या करने लगते हैं, हथौड़े से या चाकू से इस बर्फ़ को तोड़ने लगते हैं, उससे जो फ्रिज की जो गैस होती है वो निकल जाती है और फिर दोबारा से ठीक करवाने में 5-6 हज़ार रुपये आराम से लग जाते हैं। आपको जो ये गोल बटन दिख रहा है इसको डीफ्रोस्ट बोलते हैं। अगर फ्रीजर में बहुत ज़्यादा बर्फ़ हो गई है तो आप इसको 3 से 4 दिन में इसको दबाते रहिए, उससे जो बर्फ़ है वो मेल्ट होती रहेगी धीरे धीरे और जो गैस है वो बनती रहेगी, हमारा फ्रिज ख़राब भी नहीं होगा और फ्रिज भी ठंडा रहेगा। कैसा लगा मेरा ये ट्रिक? और ये देखिए हमारा फ्रिज कितना एकदम से क्लीन हो गया है। और फ्रिज को साफ़ करने के बाद आप 5 मिनट तक इसको फ्रिज को चला के ऐसे बंद कर दीजिए और फिर आप इसमें अपना सामान स्टोर करके रख दीजिए। अगर आज का मेरा ये वीडियो आपको पसंद आता तो एक लाइक कर दीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।